फूड डिलीवर करवाते हैं और आप किसी भी डिलीवरी बॉय को अपना एड्रेस देते हैं, उसको नंबर देते हैं, वो बाद में आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप खुद ऑर्डर क्यों देती हैं? मैं क्या करूं? डिलीवर बॉय जो, उसका तो दिमाग खराब होगा ना जब ले असल में ना पिज्जा चाहिए था। पागल होगा। मेरा ख्याल से मैं इसका हल बता देता हूँ। आपने आगा साहब को अगली दफा फोन करना और कहना आगा साहब प्लीज जरा पिज्जा ऑर्डर कर। नहीं तो ये सिर्फ घर में अकेली होती है, भूख अकेली लगती है सर। भूख जब 2 बजे लगती है। मुलाजिम से भी कह सकती हैं कि वो तो सो रहे होते हैं 2 बजे। शर्फू ये पिज्जे का ऑर्डर कर दो, ठीक है? लेकिन जहाँ आपने वो पागल है जो दोबारा आपको फोन नहीं करेगा, जब मैं उसको करता हूँ कहता हूँ परे मर मैं तेनू देना होने ठहर जा। एक सिंपल जो सादी सी औरत है ना वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं काका जरा पिज्जा दे जा है। मेरा पोते जरा पिज्जा दे रहा, तेरा ताता आया तेरा घर नहीं, जरा पिज्जा मैंने दे जा, मेरे भूख बहुत लगी है। अगर जिंदगी में दोबारा उस माई को फोन कर जाए मुझे पकड़ लेना। गुजर रिसीव करने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। असल रिसीव करने के लिए दिल चाहिए, वही लगाना तो बंदा लेता है। इतना बड़ा जब दिल दूसरे चाहिए। को होता है तो फिर वो कहता है यार तू मैनू ऐ कह देता यार ऐ तो तेरा नहीं सी ना बनता, हालांकि वो तो इस तो बड़ा बनता सी। आगा माजिद साहब सानू ये पता है कि तुहानू कुकिंग बहुत अच्छी आंदी है, ठीक है ना? ते तुसां करेले गोश्त बहुत चंगे बने दे आओ। अगर मैं तुहानू आखां कि तुसां उसकी रेसिपी मैनू दसो, क्योंकि कुकिंग दा मेन शौक है। जो मेरी बहनें बेटियां जी वो करेले को छीलने के बाद उसको धो देती हैं। आप इंसानों को धो देते हैं तो करेले क्या नहीं, चीज़ सर, नहीं 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 ये मतलब मेरा है। आपने बड़े बड़े बॉलरों को धोया अगर मैंने धो दिया तो, तो पहले धोता है अच्छा, उस तो बाद उन्हें छील लिया। अच्छा छिलन तो बाद बिल्कुल उन्हें पानी नहीं लाया, ठीक है? उसकी खूबसूरत करके कटाई की थी, ठीक है? और करेले और प्याज, मतलब अगर थोड़ा 2 किलो करेले ना तो 2.5 किलो प्याज होना चाहिए। उन्हें तुसी दोनों नू यक जा रख देता है, ठीक है? गोश्त भुन के एक साइड पर रख देता, ठीक है? कढ़ाई रखी, उदे च तुसी आयल इस्तेमाल करते हो, आयल पाओ, घ्यो इस्तेमाल करते घ्यो पाओ। मिसाल तौर पर एक मुठ असी उदे च करेलिया की पाई ना, तो एक ही असी उदे च प्याज की पा दी। अच्छा उन्हें असी यक जा हल्का जहा दोनों जिसले ब्राउन हो गए उन्हें छानी के नाल करेलियां दे विच उपर ढक्कण दे। ये प्रोसेस रहेगा उतनी देर तक जदों तक करेले और प्याज खत्म नहीं हो जाते। उस तो बाद उदे पा के दोबारा उन्हें भी 5 मिनट वास्ते उपर दम ते रखे। उस तो बाद उते गरम मसाला ते ये वो जो इनग्रीडियंट उदे ते पा के दम दे के छड़ दे। तुसा कोई कुकिंग शो क्यों ना कर गिंदे? सर करेले कड़वे हो जाण मैं ऑन एयर कह रहा मैं हाथ कटवा दिया। ओए होए इतना बड़ा क्लेम। तो बाद फिर वो उठे तवे जड़ा होंदा ना वो टेढ़ा तवा मेरी तरह उस तवे दे ते रोटियां ना लस्सी ना ना लस्सी ते कूड़ आदमी पींदे ना जी असि कूड़ियां ना 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 लस्सी नहीं तरेली वाला पानी जड़ा होंदा तरेली वाला के गिलास दे बाहर हल्का हल्का पसीना आया होगा। मैनू क्यों ऐ शक पै रहा है कि तुसी करेले कट ते अपनी महबूबा दी ज्यादा तारीफा कर रहे हो? राजा साहब असी करेले दी अपने बहनोई तो ज्यादा इज्जत करते हैं। ये बताएं आपकी बिजली का बिल कितना है? मेरा इस दफा बिल को इतना ज्यादा नहीं आया। अच्छा दो घर हैं, एक का गालिबन 1,32,000 था, एक का 83,000 था। राजा जी मैं बताता हूँ मेरे घर का बिजली का बिल कितना है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 32,000 रुपया। सर जो रात नू मतलब नीकर पा के छत ते फिरी जाना अद्धी रात मतलब यहोजे स्पोर्ट्समैन को बहाना यह होंगे कि मैं जरा वॉक कर रहा हूँ हालांकि जहन च हों कि चलो 2 घंटे बिजली तो बचे तो जेब पैसे ना हो तो फिर निकर पा के उत्ते जाइए। अरे ही है ना जी किसी ने देख भी लिया तो होगा यार रमीत राजा बहुत एक्सरसाइज करते यार। बिजली के बिल जनरली कितने आ रहे हैं आप लोगों के? 50,000 आता है किसी का 50 से ज्यादा? तो भाई आप बिल ना भरे ना, एक एक अच्छी सी निकर लें राजा साहब की तरह छत पे